मंगलवार को दिल्ली में 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में वेटरन एक्ट्रेस वहीदा रहमान को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को, बेस्ट एक्टर गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सुरन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। रॉकेटरी द नबी इम्पैक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। पुरस्कारों की घोषणा इसी साल अगस्त में की गई थी। बता दें कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को सम्मान दिया गया।